और आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अब बयान भी जारी किया है। आपको बता दें बीती रात 12:05 पर हमले की बात कही जा रही है, जहां आपको बता दें कि नारगोनो काराबाख के आसपास के शहरों पर गोलीबारी की गई है। अजरबैजान की ओर से हैवी आर्टिलरी शेलिंग हो रही है। अजरबैजान ने हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया है और ये लगातार आ रही तस्वीरें भी बयां कर रही हैं कि हालात किस तरीके से वहां पर हैं, क्योंकि आर्टिलरी अटैक हुआ उसके बाद धमाकों की तेज आवाज भी सुनाई दी गई। आर्मेनिया के दावों की तस्दीक करने वाला ये वीडियो आपके सामने है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो अजरबैजान के आर्टिलरी अटैक का है। कुछ लोगों ने अपने घर से ही इसे शूट किया है। इसमें बारूद का गोला गिरते हुए जोरदार रोशनी भी नजर आ रही है और साथ ही उसके साथ ही जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो बना रहे लोग भी धमाके के बाद हुई रोशनी को देखकर और आवाज को सुनकर सहम गए। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और इस बीच अजरबैजान की ओर से भी गोलाबारी की पुष्टि की गई। अजरबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बयान जारी किया है। बॉर्डर पर जारी गोलाबारी में जवानों की मौत की खबर है। अजरबैजान की तरफ से यह बयान दिया गया। और इस बीच आर्मेनिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक वीडियो जारी किया और बताया कि किस तरह आर्मेनिया के शहरों और सैन्य ठिकानों को अजरबैजान की ओर से हैवी आर्टिलरी शेलिंग, मिसाइल और ड्रोन अटैक के माध्यम से निशाना बनाया जा रहा है। यह वीडियो आर्मेनिया की एक मिलिट्री पोस्ट से रिकॉर्ड किए जाने का दावा किया जा रहा है, जिसमें धमाके के बाद उठा आग और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। नागोर्नो काराबाख का मैदान एक बार फिर से जंगी संकेत दे रहा है। एक बार फिर आर्मेनिया अजरबैजान के साथ जंग का नया मुहाना खुलने जा रहा है। एक बार फिर तबाही और विध्वंस की लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है। आर्मेनिया अजरबैजान की सरहद धमाकों से थर्रा रही है। बॉर्डर पर शेलिंग हो रही है। तोप के गोले सरहद पर रहने वालों की नींदें उड़ा रहे हैं। ये धमाके बॉर्डर के गोरिस, जेरमुक और वर्डनिस इलाके में हो रहे हैं। आर्मेनिया अजरबैजान में शुरू हुआ ये ताजा संघर्ष पुतिन को परेशान करने वाला है। इस संघर्ष का सीधा मतलब है कि रूस के खिलाफ नया फ्रंट फिर से खुल गया है। इससे पहले भी अजरबैजान ने नारगोनो काराबाग के कई इलाकों पर कब्जा किया था, जिसके बाद रूस ने अजरबैजान पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाया था। नवंबर 2020 में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने आर्मेनिया अजरबैजान के बीच एक शांति समझौता करवाया था। 2020 में दोनों देशों के बीच लगभग 6 महीने तक खूनी संघर्ष चला था। इस दौरान 6,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद रूस के कहने पर दोनों देशों ने शांति समझौते पर साइन किए थे, लेकिन अजरबैजान पर बार बार समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगता रहा है। क्या आप मधुमक्खी की खेती करके हर साल 1 करोड़ कमाना चाहते हो? हर साल मधुमक्खी की खेती करके 4 करोड़ कमाने वाले आपको सिखाएंगे, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।